स्पष्ट रूप से ये कोविड नहीं मोविड 2021 है, जो मोदी की गलत नीति और नियत के कारण, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में व्यस्त थे, जब दूसरी लहर आई तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, जो तैयारियां कर दी थी उसमें लूट सके तो लूट योजना का काम किया। आज चाहे भोपाल के हमीदिया में देखो, गुजरात में देखो, पंजाब में देखो, पीएम केयर के वेंटिलेटर सीधे बंद पड़े हुए हैं। स्पष्ट रूप से जनता के साथ धोखा करने का काम, और इज्जत तब खराब नहीं हुई जब गंगा में बहती हुई लाशें देखी, पर आज इज्जत खराब करने की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से इधर उधर की बात ना करें, ये बता काफिला लुटा क्यों, इतनी लोगों की हत्या क्यों हुई, कैलाश जी इधर उधर की बात छोड़ के सरकार ने क्यों इंतजाम नहीं करे, सरकार के गलतियों के कारण क्यों ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हुई, क्यों गंगा में बहती हुई लाशें मिली, सरकार को जवाब देना होगा। और जनता अपने लोगों की हत्या के ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई चाहती है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कैलाश जी का यह भी कहना है कि वो टूल किट के जरिए मोदी जी की लोकप्रियता बदनाम की। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेसिर पैर की बात करते हैं, ना तो इनके पास कोई साइंटिफिक नियम है ना कोई नियत है, और यही होता तो कम से कम दूरदृष्टि के साथ विश्व के कई देशों में दूसरी लहर आई पर उन्होंने तैयारी करी। विश्व में जब हमारे पास समय था, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश के अंदर कोरोना से आफत आ सकती है, तब ये लिट्टी चोखा खाने में देश में व्यस्त है, नमस्ते ट्रंप करने में व्यस्त है, और इस देश की सरकारें गिराने में व्यस्त है, और कहीं ना कहीं जिस घुर्राहट के साथ काम कर रहे थे, और राहुल गांधी ने कई बार चेताया, एक्सपर्ट ने चेताया, पर सरकार की कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, और अब इधर उधर की बात करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लाखों लोगों की हत्या इस सरकार की गलत नीति और नियत के कारण हुई है, अब मुंह छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा तो इधर उधर की बात करते हैं। और चाइना को भी था तो चाइना के झूले जिनपिंग को मोदी जी ने झुलाए थे, किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने नहीं। स्पष्ट रूप से ये देश के अंदर अव्यवस्थाओं की मौतें हैं, देश के अंदर जो अव्यवस्थाएं सरकार ने करी उसकी हत्या इनके द्वारा करी।